तेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। मारवी साहब बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहब तेरे जिस्म में है क्या, उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? औरत मार्च पर बहस के दौरान मारूफ ड्रामा निगार खलील रहमान कमर और सामाजिक कारकुन मारवी में अल्फाज की जंग सोशल मीडिया पर भौंचाल आ गया। सार्फिन की दोनों ही शख्सियात पर शदीद तनकीद, खलील रहमान की बॉयकॉट मुहिम भी शुरू, टीवी एंकर पर भी खूब गुस्सा निकाला। एक पढ़ा लिखा बंदा खलील रहमान जो राइटर है, उन्होंने आकर जो जबान इस्तेमाल की है, जो भद्दी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है मारवी सरमद के लिए, वो सिर्फ मारवी सरमद के लिए नहीं है, ये पूरे माशरे के माओं बहनों बेटियों के लिए है। सेनेटर ससी पली जो भी खवातीन की हौसला शिकनी करने वालों पर फट पड़ी, बोली खलील रहमान कमर के खातून को मुगलजात बकने से खवातीन की दिल आजारी हुई। सेनेटर मुशाहिदुल्ला ने कहा, मेरा जस्म मेरी मर्जी, मामला क्या है, पीछे कौन है, इंक्वायरी होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में औरत मार्च रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत, गुज़िश्ता साल औरत मार्च के दौरान शुरका ने गैर इस्लामी और बेहुदा तकरीर की, मुआशरे में औरत का बुरा तासुर उभरा, दरख्वास्त गुजार। अदालत ने दरख्वास्त डीसी लाहौर को भेजकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। इस वक्त इस स्टेज पे हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हैं, वो जो मुनासिब समझती हैं अपने लोगों के लिए, अपनी सूरत हाल को सामने रखते हुए वो फैसले करती हैं। कोरोना वायरस के 5 मुश्तबा मरीजों की हालत बेहतर हो रही है, ऐसी सूरत हाल नहीं कि कह दें स्कूल बंद कर दिए जाएँ। ताहम सूबाई हुकूमतें अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं। मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा ने मुल्क में 250 कोरोना मरीजों की इतलाक की तरदीद कर। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, आगाज 16 मार्च से होगा। सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज रियाजुद्दीन की तलबा को एडमिट कार्ड और शेड्यूल की फराहमी यकीन बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान से मुंसलिक पाक ईरान दफ्तान बॉर्डर 11वें रोज भी बंद, पाक ईरान और पाक अफगान दो तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, ज़ायरीन और पाकिस्तानी बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। सऊदी एयरलाइन ने उमरा ज़ायरीन पर 31 मार्च तक पाबंदी बढ़ा दी। सऊदी शहरियों और मकीनों के मस्जिद नबवी की जियारत पर पाबंदी, शहरियों और गैर मुल्की तारकीन वतन का भी मस्जिद हराम में दाखिला आर्जी तौर पर बंद। तालिबान हमलों में 20 अफगान फोर्सेस अहलकारों की हलाकतों के बाद अमरीका का जवाबी फजाई हमला, अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के तर्जुमान का कहना है तालिबान हमलों को रोकने के लिए दिफाई हमला किया, वॉशिंगटन अमन के लिए पुराज़म है, ताहम तालिबान को गैर जरूरी हमले बंद करने चाहिए। अमरीकी सदर का तालिबान के चीफ मुजाकरात कार मुल्ला बरादर आखुंद को टेलीफोन, तालिबान मुहिदे के तमाम निकात पर जल्द अमल दरामद पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जल्द ही अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो को अफगान सदर से बात करने का कहेंगे। हम समझते हैं और पाकिस्तान समझता है कि ये एक मुस्बत पहला कदम है और इम्कान किया जा सकता है कि इसकी वजह से अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम हासिल करने में हमें कामयाबी हो। वजीर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में फरीकैन को मुआहदे पर मुत्तफिक करना आसान नहीं था, एतमाद का फुकदान ढका छुपा नहीं, कई कुव्वतें अब भी अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती, पाकिस्तान शराकत दार नहीं, किरदार सिर्फ सहूलत कार का था और आइंदा भी रहेगा। हमें जूस के मैं होने नहीं दूंगा, दोनों चीजें पहले दोनों कमेटी में ही जाएंगे, डिस्कशन होगी कमेटी में जी, उसके बाद फिर देखेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कमेटी तो तय है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसके मुखालिफ।
सेनेट इजलास में जैनब अलर्ट बिल 2020 मंजूर, कम से कम 7 साल कैद की सजा मुकर्रर। सेनेटर जावेद अब्बासी और सेनेटर मुश्ताक अहमद के मुजरिमों की सजा का तायुन कम करने से मुतालिक एतराजात मुस्तरद। बिल का नाम तब्दील करके जैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी रख दिया गया। ज्यादा से ज्यादा 14 साल कैद की सजा मुकर्रर। केस दर्ज होने के 3 माह के अंदर मुकदमे की समाअत मुकम्मल करना लाजमी करार। पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के 2 घंटों के अंदर कार्रवाई करने की पाबंद होगी। सरेआम इबरत बनाएंगे तो लोगों में खौफ होगा, जो हमारे कुरानशरी का भी यही फैसला है कि मुजरम को हजूम में सरेआम इबर बनाएं, लोगों में खौफ पैदा होगा, लोग ऐसे जराम से यकीन इतनाव करेंगे और हमारे बच्चे बच्चियाँ महफूज होगा। अलर्ट बिल बनने के बाद अब किसी को मसला नहीं होगा। जैनब के वालिद अमीन अंसारी का इजहार इत्मीनान। बच्चों के हुकूक का कानून चारों सूबों में राइज करने, ज्यादती करने वालों को सरेआम सजाए मौत देने का भी मुतालबा दोहरा दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि गैर मुनाफा बख्श इदारों और गैर इस्तेमाल शुदा इमलाक की निजकारी कौमी मफाद में है, कौमी खजाने पर बोझ कम होगा, अमल मुकर्रा टाइम लाइन्स में मुकम्मल किया जाए। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आते हैं पता नहीं क्या उनका ऑब्सेशन है कि वो हमारे मुल्क के असासे, मेरे मजदूरों के, मेरे मेहनत कशों के असासे, जिनके खून पे सीने, नस्ल पर नस्ल के खून पे सीने इन इदारे में शामिल हैं, वो उन इदारे को बेचने में लगे जाते हैं। किसी कठपुतली को कौमी इदारों की निजकारी नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है सिलेक्टेड जब भी आते हैं मुल्क के असासे बेचना शुरू कर देते हैं, इदारों में मजदूरों का खून पसीना शामिल है, बेचने नहीं देंगे। नवाज शरीफ के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियान बंद है। साबिक वजीर आजम का मुआयना स्विट्जरलैंड और अमरीका के डॉक्टरों ने किया। हुकूमत बार बार गलत बयानी कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत का ताना दिया जाता है। सियासत हुकूमत नहीं नून लीग कर रही है। एक चिट्ठी लिखने की देर थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार हो गई। फिर दोस्त आशिक अबान की जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस। शरीफ खानदान के अफराद किसी भी अदालत में अपने असासों का सबूत पेश नहीं कर सके। सेनेटर फैसल जावेद के जवाबी बार, कहते हैं शरीफ खानदान के कुल सबूत एक कतरी खत पर मुश्तमिल थे। शरीफ खानदान मुल्क को लूटने में मुलव्वस है। शहबाज शरीफ की गारंटी पर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है साबिक वजीर आजम वापस न आए तो पंजाब हुकूमत लीगी सदर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर करे। आर्मी चीफ का खारिया के करीब ट्रेनिंग एरिया का दौरा। कहा तरबियत और टीम वर्क जवानों का तुर्रा इम्तियाज है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए आला मेयार और जहानत की जरूरत है। कुर्बानी का जज्बा और हुब्बुल वतनी मुश्किलात से निमटने की ताकत देती है। वज़ीर ख़ारिजा से साबिक अमरीकी सफीर बराए पाकिस्तान कैमरून मंटर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों में मुलाविस है। पाकिस्तान के दौरे पर आए OIC के 6 रुकनी वफ्द का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बारे में आगाह किया गया। मुतासर शहरियों से मुलाकात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। मौजूदा दौर में अब तक सबसे ज्यादा तरक्याती फंड्स खर्च किए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब को हिरासत करने से रोक दिया। जवाब तलब, समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट ने खुर्शीद शाह की जमानत के खिलाफ दायर नैब की दरख्वास्त निमटा दी।
खुर्शीद शाह की जमानत पर रिहाई का हुक्म कल अदम करार। कौन कहां जा रहा है, कितने दिन कयाम कर रहा है, अब सिंध भर में सफर करने वालों का सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। साई सरकार ने अंदरूने मुल्क चलने वाली ट्रांसपोर्ट में कंप्यूटराइज टिकट लाजमी करार दे दिया। कराची वालों खुश हो जाओ, फिलहाल बिजली महंगी नहीं हो रही। इक्तिसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए कीमतों में इजाफे की तजवीज मुअख्खर कर दी। पाकिस्तान रेलवे ने 21 मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 9 मार्च से होगा। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने चांद की रुयत से मुतालिक इजलास कल तलब कर लिया। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की साइंटिफिक कमेटी शिरका को ब्रीफिंग देगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपजई को भी शिरकत की दावत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दहशत गर्दी जारी। लॉकडाउन को 213 दिन गुजर गए। पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के जुर्म में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा को मजीद 5 रोजा जुडिशल रिमांड पर भारतीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 50 तक पहुंच गई। 300 से ज्यादा जख्मी। आरएसएस की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के खिलाफ मुसलमान और सिख मैदान में आ गए। बरतानवी पार्लियामेंट में भी दिल्ली के मुसलमानों पर बदतरीन मजालिम की गूंज। मेंबर पार्लियामेंट तन मनजीत सिंह ने बरतानवी हुकाम से भारतीय मुसलमानों और सिखों की मदद की अपील कर दी। मुसलमानों के कत्लेआम के जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। कोरोना के हमले जारी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में वायरस से पहली हलाकत की तस्दीक। अमेरिका में मजीद 3 अफराद हलाक, तादाद 9 हो गई। चीन में भी हलाकतों में इजाफा, तादाद 2,945 तक पहुंच गई। ईरान में जाबहक अफराद की तादाद 79 हो गई। भारत में भी 28 केसेस की तस्दीक। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक कोरोना वायरस से मुतासर। वर्ल्ड बैंक ने मुतासर ममालिक में सेहत और मईशत पर मुरतब होने वाले असरात से निपटने के लिए 12 अरब डॉलर के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस से आलमी सियाहती सनत शदीद नुकसान की जद में आ गई। सियाहों ने अपनी परवाजों, होटल और दीगर तफरीही बुकिंग मंसूख करा दी। सियाहती सनत को माहाना 47 अरब डॉलर का धचका। वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने की दौड़। जो बाइडन की पोजीशन मुस्तहकम। जो बाइडन ने कई रियासतों में डेमोक्रेट प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। रियासत वर्जीनिया, अलाबामा और शुमाली कैरोलिना में कामयाबी हासिल कर ली। डेरा गाजी खान की तहसील कोटचट्टा में शदीद बारिश से सखी सरवर बरसाती नाले में तुगयानी आ गई। 5 बसें बरसाती नाले में बह गईं, 1 लाश निकाल ली गई। मुतादित अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात ने मजीद 4 दिन बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर मंदी ने ढेरे डाल लिए। 100 इंडेक्स मजीद 293.28 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 40 अरब रुपए डूब गए। वजीर आजम इमरान खान से डैरन सैमी, हाशिम आमला और जावेद आफरीदी की मुलाकात। कहा PSL ने पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल कर दी। पाकिस्तान की एजाजी शहरियत मिलने पर डैरन सैमी को मुबारकबाद। PSL के मैचेस कहीं मुंतकिल नहीं किए जा रहे हैं। शेड्यूल्ड मैचेस वक्त पर ही होंगे।
पीसीबी ने बारिश के बायस पीएसएल मैचेस की कराची मुंतकली की खबरों की तरदीद कर दी। पीएसएल के कराची में शेड्यूल मैचेस भी वक्त पर ही होंगे, सिंध हुकूमत ने पीसीबी को आगाह कर दिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की पांचवी पोजीशन बरकरार, असद शफीक भी तरक्की पाकर 17वें नंबर पर पहुंच गए। बैटिंग में स्टीवन स्मिथ की टॉप पोजीशन मजीद मजबूत। नौ मुस्लिम अमरीकी गुलकार अकोन इस्लाम की आगोश में आने के बाद उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे। बाईस साल तवील खिदमत का एतराफ, सऊदी रईस ने अपने वफादार पाकिस्तानी मुलाजिम को सोने की ईंट तोहफे में दे दी। तोहफे की कीमत 90 लाख रुपए है। खवातीन को कमजोर समझने वाले मर्द हजरात होशियार हो जाएं। जर्मन खातून कैथलिन ने एक मिनट में 6 फ्राई पैन हाथों से मोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड।